दयनीय स्थिति नहीं है, अलग से किराया लगता है लेकिन समय ज्यादा लग रहा है। निश्चित रूप से यह चर्चा भी हुई है और उसको मेंटेन करने की बात, उसको अलीगढ़ में भी हमने कहा कि 2 मिनट का स्टॉपेज हो और किसी भी कीमत पर हम सफर जो समस्तीपुर हो के हमने दिया है और दरभंगा से तुरंत तो मैंने ये 2 ट्रेन और लड़ करके मुझे लेना, तो जयनगर से तुरंत ट्रेन जो दिल्ली के, इसको मेरी प्राथमिकता है कि समय पर दिल्ली को, इसको मैं गंभीरता से मुझे उम्मीद है कि बहुत निकट भविष्य में सहरसा से समस्तीपुर मुजफ्फरपुर होके हम दुरंतों को दिल्ली के। मेरा मानना है कि समस्तीपुर से एक ट्रेन दिल्ली किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, हर परिस्थिति में इस पर हमने बहुत अत्यधिक जोर दिया कि समस्तीपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन किसी भी परिस्थिति, बटोरी एक एक्सप्रेस ट्रेन रुके हर परिस्थिति, कुशेश्वर स्थान से खगड़िया, इसी तरीके से बाबा धाम देवघर, सहरसा से देवघर मुंगेर होते हुए भागलपुर की स्थिति कब होगी, एक राजधानी को हाजीपुर में रुकने का, जो हम आते हैं हाजीपुर में नहीं रुकती है, दानापुर को कटल करके हाजीपुर को राजधानी की व्यवस्था कब होगी, इस तरीके से बापू धाम 15 दिन 20 दिन महात्मा गांधी मोतिहारी में रहे, लेकिन 3 महीना महात्मा गांधी, 13 महीना आप पश्चिमी चंपारण में, आप उस समय को आप प्राथमिकता नहीं दे रहे, रक्सौल आप कह रहे हैं लेकिन रक्सौल से कोई ट्रेन समस्तीपुर, रक्सौल से सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा होते हुए समस्तीपुर तो आप ट्रेन से जुड़ी, इसकी डिमांड हुई है किसी भी परिस्थिति में, यहां पर जो फैक्ट्री है उसकी स्थिति सबसे बुरी है, इसको आप तवज्जो क्यों नहीं देते, जो जमीन रेलवे की है, दूसरी चीज आप बसाने के लिए आप ले चुके, जब मन में आपको आता है पॉलिसी बनाते हैं और उसके बाद आप बरसात में बाढ़ में ठंड में आप घर को तोड़ने लगते हैं, आप उसकी व्यवस्था नहीं करते या लोकल सांसद, तो रेलवे डेवलपमेंट के मामले में कहते तो हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन काफी स्लो, सहरसा से कुशेश्वर स्थान नहीं हुआ, बीरपुर टू बीरपुर का नहीं हुआ, बिहारीगंज से मुरलीगंज भीमनगर का नहीं हुआ, जो स्थिति मिथिला और कोसी की है वह रेलवे के मामले में जो सपना ललित बाबू या लोगों ने देखा था, आज भी हम सिर्फ ब्रॉडगेज में आ सके, हम नए रेलवे लाइन को जोड़ने की व्यवस्था हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आज तक नहीं कर सकते, किस तरीके से आप क्या करेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण, आप पैसे लेते हैं लेकिन सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था नहीं होती किसी भी रेलवे, प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट नहीं करते, प्लेटफॉर्म को आप ऊंचाकरण नहीं करते, तो इस पर काफी जो चीजें, अब पैसा चाहिए हमको 300 करोड़ तो हमको 2 करोड़ की आप दिए 10 करोड़ दिए, इससे डेवलपमेंट कितने साल के बाद होगा भाई,